हेलो दोस्तों एंड अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे यार। वेलकम बैक हो गया आप सब लोग के एक नए ब्लॉग के अंदर। तो आज के ब्लॉग का हम आगाज करते हैं। तो यार आज के ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी लाजमी से क्लिक कर देना, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है यार, गुड न्यूज़ है हमारे पास। तो जल्दी जल्दी से आपको वो भी दिखाते हैं, लेकिन पहले यार हमारा जो अच्छा तो वो भी साफ़ हो चुकी है, तो गुड न्यूज़ इसको भी पता चल गई है और मेरे बड़े भाई को भी पता चल गई है। तो मैंने तो सरप्राइज़ रात को भाई को दे दिया था, तो अभी भाई ऊपर आए हैं मेरे से पहले और सारी छत की सफाई भी कर दी है और सबको डाइट वगैरह डाल दी है। इस तरफ ये देखिए कितने चहक रहे हैं, अभी वो आप लोगों को गुड न्यूज़ देते हैं कि माशाल्लाह से यार हमारे जो रैबिट्स हैं ना ये वाले, तो इन्होंने माशाल्लाह से यार बेबीज ले कर दिए, मतलब कि बेबीज दे दिए। चल भी साइड बैठो, इधर हो जा। तो यार ये आगे खड़े हुए हैं और माशाल्लाह से ये चेक करो भाई, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से यार इसने बेबीज दे दी हैं, अब दोनों मादी धंधा हैं। हमें भी नहीं पता कि कौन सी वाली इनमें से, थोड़ी बहुत पहचान है मुझे कि मेरे ख्याल से तो ये वाली है, लेकिन वो भी अंदर घूम रही है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो अभी यार हम ये करने वाले हैं कि इन बेबीज़ को हम इधर से निकालेंगे, क्योंकि सर्दी है तो जगह ठंडी हो जाती है और ये भागते हैं पूरे फिर मैदान के अंदर। तो अभी हम इन बेबीज़ को बाहर निकालेंगे और इस क्रेट के अंदर कपड़ा वगैरह या कोई और चीज़ रखेंगे और फिर इसके अंदर हम इन बेबीज़ को शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये इसके अंदर ही रहें और इनकी मदद जो है आसानी से इनको फीडिंग वगैरह करवा सके। तो अभी जल्दी जल्दी से इनको हम बाहर निकालते हैं और इनको क्रेट के अंदर शिफ्ट करते हैं, ताकि यार इधर से फिर अंदर ही भागते रहें, बाहर ना निकलें। तो आपको कैसे लगे बेबीज़? अच्छा, तो इसको बहुत अच्छे लगे हैं। ये मेरे से पहले ऊपर आ गए और बोल रहे हैं कि मामू बेबीज आ गए हैं। तो मैं तो आज थोड़ा सा लेट उठा था, तो आज सारा काम भाई ने किया है। तो इस तरफ यार माशाल्लाह से हमारा जो चिक है वो चेक करें इसकी ग्रोथ, ये अंडे के ऊपर नहीं बैठ रही यार, इसको करना ही पड़ेगा चेंज हमें, या कुछ इसका करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कुछ करने वाली। जल्दी जल्दी से भाई से पूछते हैं कि जल्दी जल्दी से हम क्रेट वगैरह का जो है ना शिफ्ट करते हैं, इसको किसी चीज़ से साथ इसको अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ताकि ये भी जो इसकी लकड़ी वगैरह है ना वो छुप जाए अच्छे तरीके से और इसके अंदर आराम से बैठ जाया करें। तो यार अभी हम इस घास के साथ इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे और अभी भाई निकालने लगे हैं अंदर से चूजे। तो चलो भाई निकालो, चूजे कह रहा हूँ यार उसके बच्चे। मैं क्या चीज है, बेबीज है। तो भाई ये कह रहा बेबीज है, भाई निकाल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं। का ये है कि यार एक तो गर्म रहेगा इसके साथ और सही भी रहेगा। क्या हुआ, बहुत मुश्किल से आए हैं यार, और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह से यार ये चेक करो भाई ने पकड़ लिए सारे के सारे बेबीज, और देखो भाई कितने ही क्यूट बगैर कपड़ों के, बगैर कपड़ों के हमारे बेबीज जो आ चुके हैं रैबिट के बेबीज। भाई चेक करो यार, तू है ये, तू नहीं फाइव है, पांच यार। तो पांच बेबीज यार उसने दिए हैं हमारी फीमेल रैबिट्स ने, चेक करो यार कमाल है यार कमाल, ऐसे लगते हैं जैसे कुछ चूहे के बच्चे हो या कोई और चीज होती है, लेकिन माशाल्लाह से यार कितने प्यारे लगते हैं। तो वैसे तो यार ये आज हो गए हैं दो दिन के, कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका था क्योंकि मुझे काम जाना पड़ा था, तो मेरा सारा दिन उधर गुजर गया था, लेकिन कल बेबीज इसने दिए थे, लेकिन आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो यार जल्दी जल्दी से कर दो शिफ्ट इनको, तो आप भी भाई कर रहे हैं शिफ्ट। और तो यार ये नेक्स्ट हमारा तैयार हो गया है उसके लिए, तो जल्दी जल्दी से इनको शिफ्ट कर देते हैं। माशाल्लाह से यार
मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, हम सबको बड़ी खुशी हुई है। तो माशाल्लाह से हमारी जो रैबिट है उसने बच्चे दे दिए हैं। चलो अभी इनको शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम इस तरीके से लेट गए हैं, अब इससे यार इधर ही रहेंगे, कहीं ज़्यादा बाहर घूमेंगे नहीं। नहीं तो अभी सुबह आए थे तो एक इधर दरवाजे के पास आया हुआ था, दूसरा उधर कॉर्नर में, तीसरा इधर, कुछ इस तरह से सारे भागे हुए थे। अभी जल्दी से भाई को कहते हैं कि वापस रख दो यार। छोटा सा यार जो हमने उसके पास घास रखा है वो खुद ही खाई जा रही है। हमने सोचा है कि आराम से उसके बच्चे बैठे रहेंगे, लेकिन वो खाई जा रही है। या फिर एक चीज़ का हो रहा, हल ना करिए। ओके, इनको बंद कर दीजिए। तो यार अभी हमने एक और चीज़ सोची है, क्योंकि वो घास खुद खा रही है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो अभी हमने ये सोचा है कि यार अभी हम जिस तरह से उसने अपने बेबीज़ को खुद ही अपने जो है पर वगैरह बाल वगैरह उखाड़ कर जिस तरह के नरम बिस्तर बनाया था, हम उसी बिस्तर के ऊपर उनको रहने देते हैं और उनके अने मने मतलब कि अगे पीछे इट्टा ला देने हैं इर्द गिर्द। तो हमने फिलहाल आप इट्टा ला लगे हैं ताकि यार, क्योंकि वो घा जड़ा है वो खाधी जा रही है खुद। इस तरह से ये सारे जो अपने रैबिट ने खुद घा खा जाएंगे तो फिर थले सारा उवें ही रह जाएगा, तो इवें बेबीज नूं नुकसान हो सकता है। तो इस वास्ते असीं सोचे कि जोड़ा कि हम इट्टा ला दें आने मने ताकि अच्छे तरीके नाल उस कोने दे विच ही ये आराम नाल रह जाण। फिर यह भी है कि पच नहीं सकनगे इधर दे उधर, तो आसानी होएगी अपन। जल्दी जल्दी इट्टा रख दें। ये देखो भाई दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि मैंने टच करना है। चलो अभी टच नहीं करना, छोड़ दो। तो भाई को पकड़ाते हैं अभी भाई को, और भाई कर देते हैं शिफ्ट। लो अभी जल्दी जल्दी से कर दो। अजान छोड़ दो, छोड़ दो। लो जल्दी जल्दी से रख दो। चेक दिस, माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह इनकी माँ इनको अच्छा दूध भी पिला देगी और ये अपने घोंसले से बाहर भी नहीं आएंगी, मुर्गी वगैरह तंग भी नहीं करेंगी। और आज इनका प्रॉपर इलाज करेंगे इंशाल्लाह मुर्गी का, जो अंदर ना आ सके बस। मम्मी आ गई है तो इसको भी अंदर, इसकी मम्मी आ गई है और इसकी मम्मी को इनका घर दिखा देते हैं। बाहर का रास्ता नहीं देखना, जाओ 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 जाओ, शाबाश, ये बात हुई ना। लो अभी उसको तो पसंद आ गया है, माशाल्लाह बैठ गई है। तो अभी यार हम ये करने लगे हैं। ओके यार बन गई है इसकी, तो फिर इसको छोड़ दो। अभी इसके केज की थोड़ी सी सफाई हो जाएगी तो फिर हम इसका दरवाज़ा जो है परमानेंटली बंद कर देंगे। और जो ये सुराख हमने छोड़े हुए थे पहले से, यही सोचकर छोड़े हुए थे, तो इस साइड पर दो सुराख छोड़े हैं ताकि आराम से इधर से ही वो अंदर आ सके और इधर से ही हमारे रैबिट्स बाहर जा सकें। तो ये इसीलिए छोड़े थे क्योंकि यार मुर्गी जो है ना घुस जाती है अंदर और तहस नहस कर देती हैं, जिस तरह से अभी भाई सुबह भी बोल रहे थे कि सुबह भी मुर्गी जो है अंदर चली गई थी और सारे जो है ना उसका बिखरा पड़ा था अंदर से। इसी वजह से हमने यार ये चीज़ें पहले से ही सोची हुई थी जो कि हमारे बहुत काम आ गई हैं। तो अभी ये दो सुराख हैं जो हमने छोड़ दिए हैं ताकि हमारे रैबिट्स जो हैं आसानी से अंदर और बाहर आ जा सकें, मुर्गी इसके अंदर नहीं जा सकेगी यार। और इसको देखो ये क्या कर रहा है, क्या है क्या कर, इसका क्या करोगे, छोड़ दो इसको यार। इसका दरवाज़ा भी हमने परमानेंटली बंद कर दिया। आप देखो हमारे जो रैबिट्स अंदर आ जा रहे हैं तो हम पकड़ कर देखते हैं इनको करके। लो भाई पता तो इनको चल गया कि अंदर इधर से जाना है, इधर से ही आना है, जैसे गए वैसे आ तो जाएंगे। दरवाज़ा भी हमने परमानेंटली बंद कर दिया है। तो अभी इसका हम कुछ और सोच रहे हैं कि इसको हम दूसरा दरवाज़ा लगाएंगे ताकि कल को अगर हम अंदर ही इनको इनकी डाइट देना चाहें तो अंदर ही रख दिया करेंगे। तो वो भी अब अभी इंशाल्लाह कर देंगे जल्द से जल्द, लेकिन अभी के लिए यार गुजारा करना पड़ेगा हमें। और माशाल्लाह से ये हमारी ब्राउनी अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं। हाँ जी शाबाश, क्या हाल चाल है, ठीक हो? ये इनकी माँ है भाई, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ये इंजॉय करने देते हैं इनको। बाकी इस साइड पर हमने इनको भी डाइट वगैरह दी है और इनको भी हमने थोड़ा सा जो है वो रख दी है।
क्या कहते हैं यार, बरसन तो माशाल्लाह से इसके काम क्या करो, ये ऊपर ही चढ़ा हुआ है। ये मेरे हिसाब से सुरंग बना कर ही रहेगा, खोद कर ही रहेगा, तो इसको इसका काम पर मसरूफ़ रहने देते हैं। बाकी सारे माशाल्लाह से यार। अभी आप लोगों को हमारे रैबिट्स के बच्चे कैसे लगे, तो इस ब्लॉग में अगर आपको मज़ा आया तो यार वीडियो को कर दो लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और उससे पहले यार जल्दी जल्दी से माशाल्लाह लास्ट में लिखना है, तो माशाल्लाह लिख दो कमेंट के अंदर। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।